विक्रम और वेताल। विक्रम वेताल साहब इतना हिट हुआ, उसमें वेताल आता है, एक कहानी सुनाता है, बाद में विक्रम से कहता है, विक्रम मेरे सवाल का जवाब दे बुढ़ा। उस बेचारे छोटे से आदमी के पीठ पे लदा रहता है, बाद में भागता है तलवार लेके दौड़ाता है। ये आपने देखा है, सुना है, कहने के बाद बहुत पॉपुलर राइटर विक्रम और बेताल। अब देखिए हमारा विक्रम बेताल क्या कहता है। विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। आया बुढ़ा है, अरे विक्रम, विक्रम मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ विक्रम, मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देना विक्रम। विक्रम मैं तुम्हें फिल्म दीवार की कहानी सुना रहा हूँ विक्रम, फिल्म दीवार की कहानी सुना रहा हूँ विक्रम। एक छोटा सा गरीब परिवार था, दो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा बच्चा बड़ा होकर इंस्पेक्टर बन गया और उसका भाई एक स्मगलर हो गया। इंस्पेक्टर जब ट्रेनिंग से वापस आया तो उसने देखा छोटे भाई ने इतना पैसा कमाया, उसे अपने भाई पर शक हुआ और एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, बस कागज पर साइन करो, साइन करो, साइन करो, सबसे पहले साइन नहीं करूंगा मैं, सबसे पहले साइन नहीं करूंगा मैं। जाओ जाओ भला उस आदमी साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है। उस आदमी साइन लेके उसने मुझे तुम्हें लावारिस बना दिया। उस आदमी साइन लेके आओ जिसने मेरी माँ को, मेरी माँ को धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। उसके बाद तुम जिस कागज में कहोगे मैं साइन करने को तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले साइन नहीं करूंगा, सबसे पहले साइन नहीं करूंगा मैं। दूसरों के पाप गिराने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं होते। माँ मेरे साथ चलाओ, अरे तुम जाना चाहते हो तो जाओ लेकिन माँ नहीं जाएगी। माँ मेरे साथ चलाओ, मैंने कहा कि माँ नहीं जाएगी। अब विक्रम तू ये बता, विक्रम अब तू ये बता, माँ किसके साथ जाएगी? मेरे ख्याल से माँ तो इंस्पेक्टर के साथ ही जाएगी। इंस्पेक्टर कानून का रखवाला होता है, ईमानदार होता है। माँ मेरे ख्याल से माँ तो इंस्पेक्टर के साथ ही जाएगी। अरे विक्रम तू तो बहुत होशियार निकला रे, बहुत समझदार निकला विक्रम। अब मैं चला। विक्रम बता, तूने दीवार देखी थी क्या? दोष एक जगह रूप बैठे हुए एक ही बात कर रहे हैं, यही रूप आइटम का। दो शराबी बैठे हुए एक ही बात कर रहे हैं, जो बन गया किस तरह से। पहला शराबी बोला, अबे मोहन तेरे को मालूम है अपने भारत और हिंदुस्तान से युद्ध हो गया, अपने भारत और हिंदुस्तान से युद्ध हो गया। दूसरा बोला, चुप, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अपना इंडिया बीच में नहीं आया। आपके सामने के लिए आया, मिमिक्री कहीं करता हूँ। तुम उससे तमाम दोस्त कहते हैं, क्या राजू भाई आप सिर्फ यार बोलते हो, जोक सुनाते हो यार, गाने वाने नहीं गाते हो। मैंने कहा यार गाने गा सकता हूँ, वो बात अलग है कि लोग कैसेट बंद कर देंगे, टेप रिकॉर्डर बंद कर देंगे। नहीं नहीं यार आप गा सकते हो, गाइए। तो दोस्तों मैंने अपने आपके सामने गाना गाने के लिए कमर कस ली है और एक नहीं कई गाने आपको सुना रहा हूँ। आउटलाइन बताता हूँ किस तरह के गाने आपके सामने सुना रहा हूँ। दोस्तों खाना आप भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं, जेवन, लेकिन खाना खाने के बाद, डिनर लंच लेने के बाद उस खाने का क्या होता है आप सबको मालूम। अभी देखिए लंच डिनर सामने आया और चपाती तोड़ के जैसे हम खाने लगे, जैसे उसको खाने के लिए बढ़े, चपाती को देखकर प्यार आ गया, उस निवाले को देखकर प्यार आ गया और उससे कहने लगे, यार माफ करना यार मैं तुम्हें खा रहा हूँ यार, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं तुम्हें खाऊंगा, दांतों से कुचलूंगा, तुम्हें कहाँ कहाँ सोकर गुजरना पड़ेगा, मुझे माफ करना यार मैं तुम्हें क्यों खा रहा हूँ यार, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है यार, देखो यार तुम कहाँ पले, किसने सींचा, तुम किसके आदमी हो, मैं तुम्हें खा रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज यार मुझे माफ करना यार। अब गाना गा के उससे प्यार कर रहे हैं, उस निवाले से गाना गा के प्यार कर रहे हैं। कैसे? कल तुम सुबह छोड़ के मुझको यूं चले जाओगी, अपने साथ मुझे भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं रसगुल्ला, समोसा, वड़ा और तुम।
आदमी वाले ने कहा, नहीं यार, जो इस धरती पर आया एक दिन तो जाएगा ही। तुम आदमी लोग मछली और बकरी को खाते हो और तुमको शेर खाता है, एक के पीछे एक लगा हुआ, भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं यार, मैं तुम्हें खा रहा हूँ, दांतों से कुचल रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। अब वो निवाला, वो कौड़िया मुंह में गया, धीरे धीरे गर्दन से नीचे उतर रहा है, तो जो पुराने निवाले पेट के अंदर पहले से हैं, उस नए निवाले का वेलकम कर रहे हैं, स्वागत करते हुए पुराने वाले निवाले कह रहे हैं, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, देश बनाया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। सब निवाले नीचे एक जगह पर इकट्ठा हो गए, उनकी एक अलग दुनिया है। अब सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह गांव में विलेज में हल्के होने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, मैदान में जाना पड़ता है। दोनों दोस्त सुबह सुबह जा रहे हैं और दोनों आपस में कह रहे हैं, तुम बैठो उस पार, हम बैठे इस पार, आओ अपने बीच बना ले झूठ की दीवार, कुछ नहीं दिखता है, जबकि सब दिख रहा है। ऐसा होता है, बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ी सफलता मिली। वो सफलता, वो सक्सेस इनसे गुस्सा दिखा के कह रही है, तुमने अच्छा सहारा दिया, बेसहारा मुझे कर दिया, कल गले से उतारा मुझे, आज ठुकरा दिया बेवफा, आज ठुकरा दिया बेवफा। अब सामने नदी बह रही थी, रिवर, सामने एक नदी बह रही थी, तो वहां पर सन्यासी बैठा होता साधु, उसको बहुत बुरा लगा, उन नौजवानों पर गुस्सा आया, वो बोला, राम तेरे गंगा मैली हो गई, पापियों के धोते धोते हो, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के धोते धो, हर हर गंगे, हर हर गंगे। नहीं गंगा में सफाई कैसे नहाए माजी आई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई, नहीं गंगा में सफाई कैसे नहाए माजी आई, करके गंगा को खराब तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के धोते धोते। ये गाने पर आइटम है दोस्तों, गाने पर, सब गाने एक जगह पर इकट्ठे कर दीजिए, क्रम से लगा दीजिए, आइटम बन जाता है। अभी एक बच्चा बहुत है शैतान, इतना शैतान उसकी जबान में वो तासीर कि पूछिए मत, जो कह दे वो सच, जो कह दे वो सच। एक बार क्रिकेट खेल रहा था, लोगों ने उसे, बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने उसे गलत आउट दे दिया, उसे बहुत गुस्सा आया, वो बोला, हे भगवान, हे भगवान, सुरेश ने मेरे को गलत आउट दिया, हे भगवान सुरेश को ऊपर उठा ले। दूसरे ने देखा सुरेश ऑफ हो गया, सुरेश खत्म हो गया, बोले यार कमाल है इस बच्चे का। तीसरे दिन गिल्ली डंडा खेल रहा था, किसी बच्चे ने उसके साथ चीटिंग की, हे भगवान, हे भगवान, कल्लू ने मेरे को चांस नहीं दिया, कल्लू को ऊपर उठा ले भगवान, कल्लू मर जाए। तीसरे दिन कल्लू मर गया। गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर उसके घर पर आए, उसके बाप से शिकायत करने लगे, अजी आप अपने बच्चों को संभालिए, उसे समझाइए, पता नहीं क्या बातें करता है, जो कहता वही सच हो जाती, और हमेशा गलत बात करता है, गलत बात सच हो जाती, देखिए देखिए इस गांव में कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे।
बाप को बहुत गुस्सा आया, उसने अपने बच्चे को बहुत पीटा, बहुत पीटा, बहुत पीटा, इतना पीटा कि बेचारा बुरी तरह से मार खा गया। उसके बाद अकेले में बोला, हे भगवान, हे भगवान, मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। हे भगवान, मेरे बाप को ऊपर उठा ले। हे भगवान, मेरे बाप को तू ऊपर उठा ले। दूसरे दिन देखा तो उसका पड़ोसी वो खत्म हो गया। अभी एक बच्चा बहुत से शैतान, इतना शैतान उसकी जबान में वो तासीर कि पूछिए मत, जो कह दे वो सच, जो कह दे वो सच। एक बार क्रिकेट खेल रहा था, लोगों ने उसे, बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने उसे गलत आउट दे दिया। उसे बहुत गुस्सा आया, वो बोला, हे भगवान, हे भगवान, सुरेश ने मेरे को गलत आउट दिया। हे भगवान, सुरेश को ऊपर उठा ले। दूसरे ने देखा सुरेश ऑफ हो गया, सुरेश खत्म हो गया। बोले, यार कमाल है इस बच्चे का। तीसरे दिन गिल्ली डंडा खेल रहा था, किसी बच्चे ने उसके साथ चीटिंग की, हे भगवान, हे भगवान, कल्लू ने मेरे को चांस नहीं दिया, कल्लू को ऊपर उठा ले भगवान, कल्लू मर जाए। तीसरे दिन कल्लू मर गया। गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर उसके घर पर आए, उसके बाप से शिकायत करने लगे, अजी आप अपने बच्चों को संभालिए, उसे समझाइए, पता नहीं क्या बातें करता है, जो कहता वही सच हो जाती, और हमेशा गलत बात करता है, गलत बात सच हो जाती, देखिए इस गांव में कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। बाप को बहुत गुस्सा आया, उसने अपने बच्चे को बहुत पीटा, बहुत पीटा, बहुत पीटा, इतना पीटा कि बेचारा बुरी तरह से मार खा गया। उसके बाद अकेले में बोला, हे भगवान, हे भगवान, मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। हे भगवान, मेरे बाप को ऊपर उठा ले। हे भगवान, मेरे बाप को तू ऊपर उठा ले। दूसरे दिन देखा तो उसका पड़ोसी वो खत्म हो गया। भाई बहनों, आप लोग थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म दिखाने से पहले एक गवर्नमेंट की फिल्म दिखाई जाती है। ये फिल्म ज्यादातर बाढ़, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े के ऊपर होती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये फिल्म वो लोग किस तरह से दिखाते हैं और उनके कैमरामैन जब इंटरव्यू लेने के लिए उस गांव में जाते हैं तो लोग अपना जवाब किस तरह से देते हैं, गांव के सीधे साधे लोग कैमरा और माइक को देखकर किस तरह से घबरा जाते हैं। एक गांव में बाढ़ आई है, पूरा गांव पानी में डूब गया है, ये फिल्म आपको दिखाई जा रही है। जरा अंदाजा लगाइए, जरा सोचिए, आप उस गांव में हैं जहां बाढ़ आई हुई है। पीछे से एक टिपिकल आवाज आती है, हमेशा ये फिल्म जब शुरू होती है पीछे से आवाज जरूर आती है, इस तरह से आवाज आती है, 11 जून 1975, उत्तर प्रदेश में भीषण बाढ़, हजारों लोग बेघर, हजारों लोग तबाह, उत्तर प्रदेश का बाढ़ग्रस्त ये लखनऊ शहर। हेलीकॉप्टर से सीन लिए जा रहे हैं, चारों तरफ पूरे गांव में पानी पानी नजर आ रहा है, झोपड़ियां बह गई, कहीं कोई डूबा हुआ है, किसी का घर गिरा पड़ा, ये माहौल है पूरा। अब हमारे टीवी वाले इंटरव्यू लेते हैं गांव वालों से, लोग घबरा के किस तरह से जवाब देते हैं, और साथ में कैमरे का डिस्टरबेंस। हेलो, हेलो माता जी, आप ही बताइए, जब बाढ़ आई आपका कितना नुकसान है, बताइए, बोली बिंदास, बोली डरी मत, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अरे क्या बोलूं भैया, अरे हम तो बर्बाद हो गए भैया, पूरी उम्र भर ऐसी बाढ़ नहीं देखी, अरे कुछ नहीं बचा, अरे तबाह हो गए, 50,000 का नुकसान आया है, हमें 50 रुपया दिया गया है, अरे क्या बोलूं। अरे अब रोइए मत, हाँ ठीक है ठीक, आप पानी में रहिए, रोइए मत। हेलो मोहन, तुम ये बताओ, जब बाढ़ आई तो तुम्हारी किसी ने मदद की, बोलो बिंदास, बोलो बोलो। हम लोग ऐसा रात को बैठे थे तो पानी आया, फिर बाढ़ आया पानी में मेरी बुढ़ी माँ डूब रही थी, मेरी बीवी पानी में डूब रही थी, मेरा बाप बोला पहले बुढ़ी माँ को बचा, तेरी बीवी को तो गांव के छोकरे बचाएंगे। अच्छा अच्छा, कुछ लोग सूखे में खड़े थे, बाढ़ में नहीं थे, उन्होंने देखा टीवी वाले आ रहे हैं, दूरदर्शन वाले आ रहे हैं, कैमरा लेके आ रहे हैं, जबरदस्ती पानी में घुस गए और बोले, अरे साहब बहुत बाढ़ है, बहुत बाढ़ है, अरे क्या बाढ़ है साहब, बहुत बाढ़। अरे भाई साहब, आप तो बेकार में घुसे हुए, आप जबरदस्ती घुसे, इधर निकल आई। नहीं ऐसा ठीक है, इधर ही ठीक है। अरे आप इधर बाहर निकल आई, ऐसा ही चलता है, अच्छा इधर ठीक है। अरे आप इधर निकल आई, नहीं निकल सकते। अरे आप बाहर क्यों नहीं निकल सकते। अरे यार तुम लोगों को क्या मालूम, अंडरवियर नहीं है।
उनकी अपनी परेशानी है, किसी की अपनी परेशानी। कोने में एक भैया चुपचाप खड़ा हूँ, उससे पूछा गया, अरे भैया आप ही बताइए, देखिए इतने लोग मर गए, इतना नुकसान है, आप क्या महसूस करते हैं, आपका कुछ संदेश है, हम सरकार तक पहुंचाएंगे, बताइए। बोलिए बोलिए। अरे साहब क्या बोलने का है, अरे साहब क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, अरे साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यही समझ में आ रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है साहब, खूब ठंडा ठंडा पानी को नहा रहा हूँ, ये देखो साहब खूब आंगुल कर रहा हूँ, इधर को नहा रहा हूँ, देखो ठंडा है, ये देखो पानी ले, पानी पियो साहब पियो, है ना, इधर ठंडा पानी है, बहुत मजा आ रहा है साहब, हमारा छोटा सा छोकड़ा है, हमारा छोटा सा छोकड़ा है साहब, कभी नहाता नहीं रहा, कभी नहीं नहाता रहा, हमारी मेहरारू गुस्सा करती रही है, नहाता नहीं बाहर खींच नहाता नहीं है, अब साहब बाढ़ आई है, पानी आया है गांव में खूब आया, वो भी नहा रहा, मैं भी नहा रहा हूँ साहब, बहुत मजा आ रहा, ठंडा ठंडा पानी है, हम लोगों की गर्दन तक पानी भरा है साहब, हमारा सरकार से यही कहने का है, 5-10 साल के अंदर ऐसा एक छोटा सा बाढ़ तो मंगता है। कमेंट हो रहे पीछे साहब और बहुत नाराज बैठे हुए गाँव में, तमाम लोग घेरे हुए बैठे, उनको कोई बाढ़ से बचा के लाया था, उनसे पूछा, हेलो चाचा आप ही बताइए, देखिए आप डूब रहे थे, आपके लोग बचा के लिए, आपको नई जिंदगी मिली है, आप क्या बोलना चाहते हैं बताइए, इतने नौजवान आपको बचा के लाए डूबने से, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, बचा के लाए, हमको बचा के लाए, बहुत मेहरबानी की है, बचा के लाए है, पब्लिक का मूर्ख बना रहे, कैमरा लेकर घूम रहे, बहुत पढ़े लिखे बने, फैशन के बाल बढ़ाए, बहुत मेहमान नवाजी हो रहे, कैमरा लेकर घूम रहे हैं, हमारा मजाक बना के जीप में घूम रहे हैं, अरे मालूम है बचा है, बहुत मेहरबानी की है बचा के, बात कर रहा है, हमको बचा के बहुत मेहरबानी की है, अरे डूब जाते तो अच्छा रहा है, अरे जब हम डूब रहे हैं तो हमारे खोपड़ी में हमारे सर पे टोपी रही है, टोपी कहाँ है, बहुत मेहरबानी की है बचा के, नुकसान किए हैं, चार दोस्त एक टैक्सी में जा रहे हैं, टैक्सी में क्रिकेट की बातें हो रही, पहला बोला यार इंडिया मैच जीत जाएगी, दूसरा बोला राइट नहीं यार ओवर का मैं हार सकती है, राइट, तीसरा बोला नहीं यार सीजन अच्छा नहीं है, ड्रॉ हो जाएगा, राइट, देखा तो टैक्सी किधर जा रही, ओ ड्राइवर भाई आप किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अरे मैं क्या करूं साहब, आप लोग राइट राइट बोलते हैं, मैं टर्न करता जाता हूं, यानी एक ही सर्कल में घूम रही, क्रिकेट की बातें, तमाम भाई बहनों, श्रोताओं, छोटे बड़े बच्चों को राजू श्रीवास्तव का सलाम, राम राम, नमस्कार। दोस्तों हंसने हंसाने की बारी आ गई है, जिससे कि पहले मैं आपको हंसने हंसाने की दुनिया में ले जाऊं, मैं एक बहुत ही खूबसूरत आइटम सुनाना चाहता हूं, मेरा बिल्कुल खास आइटम है, वानखेड़े स्टेडियम, आइए सब सब मिलकर चलें, वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमें मैच के लिए तैयार है, सब दर्शक अपनी जगह बैठे हुए, स्टंप्स लगे हुए हैं, टीम आने वाली, लेकिन कॉमेंटेटर का पता नहीं, अब कॉमेंटेटर ढूंढा जा रहा है, कॉमेंट्री कौन करे, उस हालत में कॉमेंट्री करने के लिए एक कव्वाल को लाया गया, जिसका पेशा है कव्वाली गाना, उसे कहा गया भाई साहब आप इतनी पब्लिक को संभालते हैं, इतने प्रोग्राम करते हैं, आप यहाँ पर आ जाएं, थोड़ा कमेंट्री कर दें, क्रिकेट की कमेंट्री कर दें, हमारे पास कमेंटेटर नहीं है, प्लीज देखिए आप कर दीजिए, कमेंट्री कर दीजिए। अब कव्वाल आता है और वो क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा है, किस तरह से, भाई साहब आपको कमेंट्री करनी है, आप बहुत बड़े कव्वाल हैं, कमेंट्री कर दीजिए, ए बांसुड़ बांसुड़, ए पर्दा खोल पर्दा खोल, अरे भाई साहब यहाँ पर्दा नहीं, ए अपना स्टाइल है क्या, बीच में टोक मत, भाई साहब कमेंट्री की ये कर रहा हूं, ये तबला मिला जरा तबला, ना धीन धीन जम के बजाना भाईजान, ये बाजोड़ ये बगल में हट, ये कपिल देव कैसा है खैरियत, ये अजरुद्दीन कैसा है, ये रवि शास्त्री खैरियत, भाई साहब कमेंट्री शुरू कीजिए, ये कर रहा हूं बीच में टोक मत, तीन आदमी इधर, थॉमसन गली एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन मिड ऑफ, कीपर दूर 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 और भी दूर है, थर्ड मैन दूर 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 और भी दूर है, ये सभी के सभी गोरे, मैं क्या बताऊं कैसे निगोड़े, मैं इनमें से किसी को जानता नहीं, मैं किसी को पहचानता नहीं, सुनने वाली बात है भाई जान, मैं इनमें से किसी को जानता नहीं, मैं किसी को पहचानता नहीं, ये सभी सभी गोरे, मैं क्या बताऊं कैसे निगोड़े, कैसे कैसे, ए भाई ए चुप कर, ए कैसे निगोड़े, थॉमसन बॉल लाते, थॉमसन बॉल लाते, शास्त्री को खिलाते, शास्त्री ने बल्ला उठाया है, जोर से मारा तो शास्त्री ने जोर से मारा है, तो शास्त्री ने जोर से मारा है,
पहली ही बॉल में शास्त्री ने छक्का मारा है। तो पहली बॉल में शास्त्री ने छक्का मारा है। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये अपना स्टाइल है, बीच में टोक मत। भाई साहब अपना स्टाइल अपने पास रखिए, थोड़ा बाजू हटिए। उनको हटाया गया, फिर से अनाउंसमेंट हुआ। देखिए भाई साहब हमारी दोनों टीमें मैच के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास कमेंटेटर नहीं है। प्लीज जिसको अच्छी क्रिकेट की कमेंट्री बोलनी आती हो यहाँ पर आ जाए। अब यूपी का एक भैया, यूपी से कोई गांव का आदमी, वो भी मैच देख रहा था, उसे क्या गया, भैया आप इतनी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर आके कमेंट्री कर दीजिए, हमारे पास कमेंटेटर नहीं। भैया गुस्सा आ गया, फालतू बात कर रहा है, कमेंट्री करना नहीं आता है तुमको? अरे वो तो अच्छा है कि हम परेश का धंधा खत्म करके इधर आए, कमेंट्री देख मैच देख रहा हूं। हम नहीं आए होते तो कौन कर रहा है तुम्हारी कमेंट्री? फैशन का बाल बड़ा है, कपड़ा पहना है, कमेंट्री करना नहीं आता है? चलो करता हूं, कहां करने का है कमेंट्री? भैया आप नाराज मत हुई, इधर आइए और कमेंट्री कर दीजिए माइक। हाँ यहाँ, हाँ जो देखिए बोलिए प्लीज। हाँ हमको सिखाओ नहीं, फालतू बात कर रहा हूं, मार दे खींच के, चलो जोड़। अरे कमेंट्री करने का है हमको मालूम है। भैया आप शुरू कीजिए। अब सब सुनने वालों का हमारा राम राम है, सलाम है, नमस्कार है। हमारी ड्यूटी लगा है, कह रहे हैं जो देखो वही बताओ। तो साहब हम जो देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। अब साहब मैं क्या देख रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, जो देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। इसमें गरीब आदमी क्या बात है, आप पैसे वाले हो तो भी यही देखेंगे। साहब देखो परेशान मत करो, कमेंट्री करना नहीं आता तो हमको पकड़ के लाए हैं। अब मैं कर रहा हूँ तो बीच में टांग खड़ा रहा है, हमारी मेहरारू बैठे उसके पास बैठता है कब वक्त। साहब क्या देख रहा हूँ मैं, तो हरी घास उठी है। साहब खूब आदमी है, निरा मन ही भरा पड़ा है, मेहरिया लड़का बच्चा बाबा बेबी चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ बैठे। खैर चाहे जहाँ बैठे साहब, हम तो इत्मीनान से बैठे हैं। अब कहा देख रहे हैं साहब, मैदान में तीन लकड़ी इधर गाड़ा है और तीन लकड़ी इधर गाड़ा। हमको यही गुस्सा लगता है, छह लकड़ी देखने के लिए इतना गर्दी हुआ है, हमारे घर चलो देखो कितना लकड़ी भरा पड़ा है, तीन लकड़ी इधर और बीच में दरी बिछाया है। अरे हमको मालूम है यहाँ खेल कुछ नहीं होने वाला है, दावत है पंगत लगने वाली। अब क्या देख रहा हूँ साहब, मैदान में दो मोटे मोटे जाड़िया जाड़िया जोकर आ रहे हैं, एक जोकर उधर खड़ा है, एक जोकर उधर खड़ा है। अरे एक जगह खड़े रहो तो हमारा क्या है, कैसा है, अच्छा है, अच्छा। साहब क्या देख रहा हूँ कि सामने से 11 आदमी दौड़ते हुए आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, ले दूर दूर खड़े हो गए। और साहब एक ने तो पैर में रजाई बांधा है, हाथ में तकिया लपेटा है, लकड़ी के पीछे खड़ा है, खेल खेलता है, डरता है, इतना मोटा मोटा कपड़ा पहनता है। अरे मैं गांव में कबड्डी खेलता हूँ, कुछ नहीं पहनता हूँ, इतना मोटा मोटा कपड़ा पहन के खेल खेल रहा है। अभी साहब इनका क्या नाम है, कौन देव, कपिल देव, कपिल देव ने एक लट्टू निकाला है। अब लट्टू निकालने का रहा है तो इतना गर्दी काहे को किया, कहीं फंसा पक्की जगह में जाके नचा लेते। मगर साहब ड्यूटी लगी, गरीब आदमी हूँ, जो देखो जो देख रहा हूँ बता रहा हूँ साहब, जो लट्टू को पैंट में घिस रहे हैं, पैंट गंदी कर रहे हैं, लट्टू पैंट में घिस रहे हैं, पैंट गंदी कर रहे हैं। साहब हमको बहुत गुस्सा लग रहा है, इतना अच्छा अच्छा पैंट खराब कर रहा है छोकड़ा, और पैंट गंदी होता है हमारी लॉन्ड्री में लाता है, कहते हमको अर्जेंटी मांगता। अरे अर्जेंटी कैसे देगा साहब, पूरी बिल्डिंग को कपड़ा देना पड़ता है, व्यवहारी कमाए दोस्त, फालतू बात कर रहा है। अब लट्टू लेके हमारी तरफ चला रहा, भैया हमको नहीं मारना, हमें घर के अकेले। ये कहां तक चला, 18, 19, 20, 21, 22 पैस निशान बना रहा, उधर खड़ा है कुत्ते की तरह। अब साहब क्या देख रहा हूँ, सामने दो आदमी और आ रहे हैं, उन्होंने पैर रजाई बांधा, हाथ में तकिया लपेटा है, दोनों ने लिया है एक एक लकड़ी की पक्की पक्की मुंगरी, धोखा। अरे हमको मालूम, बहुत पुराने कपड़ा धोवैया है, हमारी जात बिरादरी का है, कभी मैं उधर खेलता हूँ इधर कमेंट्री करता है, कभी मैं कमेंट्री करता हूँ उधर, हमारा अंडरस्टैंडिंग चलता है। तो साहब ऐसा हमारा जात बिरादरी का है, वो भी धोबी मैं भी, वो कपड़ा धोने का जो है धोखा लेके आया है और धोखा इसे रखा। अब साहब मोटा जोकर कह रहा, थोड़ा देर खिसकाओ, थोड़ा देर इधर रखो। अब ये आदमी लट्टू लेके चला दौड़ता हुआ रहा, अपनी अपनी भैया खोपड़ी बचाना बहुत गुस्सा में है, दौड़ता हुआ चला रहा चला रहा चला रहा, जोकर को पार किया, ये फेंका, अरे उठा के मारा है, लट्टू भागा, मगर दो आदमी ने लट्टू को पकड़ लिया, झपट पड़े। अरे हमको मालूम है लट्टू बहुत कीमती है, जो पाता है झपट पड़ता है। अबे खाता नहीं खुला, खाता कैसे खुलेगा, खाता खुलता बैंक है, अब तो नहीं पढ़े इनका, वैसे क्या है। अब लट्टू लेके फिर चला साहब, फिर चला रहा बहुत गुस्सा में, दौड़ता हुआ आ रहा, जोकर को पार किया, ये फेंका, उठा के मारा, लट्टू भागता चला जा रहा, दो आदमी पीछे से भागे, लट्टू आगे भाग रहा है, टोपी गिर गई उसको नहीं उठा रहा, लट्टू पीछे से भाग रहा है, लट्टू आगे आदमी पीछे, जो लाइन खींची गई रही है लट्टू ने पार कर दिया है। अब जोकर खड़े खड़े मक्खी मार रहा, ये चौका हो गया है, अच्छा अच्छा चौका हो गया है, अरे बहुत अच्छी बात है चौका हो गया है। ऐसा परेशान है, ये आउट नहीं हो रहा है छोकड़ा। और उधर से दूसरा आदमी लट्टू लेके आ रहा, धीरे धीरे चश्मा लगा के चला आ रहा है, 3-4 कदम से, और ये हाथ घुमाया, ये फेंका, अरे उठा के मारा, लट्टू हवा में उड़ता हुआ चला रहा, पकड़ तो रहा मगर इतने लंबे नहीं कि लट्टू को पकड़े, लट्टू बक्सा के बगल में गिरा के धड़ाम से। अब जोकर खड़े खड़े चिड़िया उड़ा रहा, पक्का हो गया है, अच्छा 6-4।
आठ नौ दस, दस रन हो गया साहब हमारा, ड्यूटी रहा तो हमने बताया नहीं, फालतू बात करता नहीं हूँ मैं, बीच में बात कर रहा है, दस रन हो गया है, आउट नहीं है कोई। साहब आपका क्या नाम है? अजीत। सर इनमें काम करते हैं साहब, इधर आओ, आप फिल्म में काम करते हैं, बहुत विलेन है, बहुत अच्छे आदमी है, इधर आओ। साहब ये छोकड़ा आउट नहीं हो रहा है, इधर से लट्टू फेंका जा रहा है, उधर से मार रहा है, मार रहा है, आउट नहीं हो रहा है। साहब इसको कैसे आउट किया जाए, आउट नहीं हो रहा है। कमेंटेटर गंगाराम, इस बार अपने बॉलर से ऐसी बॉल फेंकवाओ, ऐसी बॉल फेंकवाओ कि बैट्समैन सिक्स की ट्राई करें, बाउंड्री के चारों तरफ हमारे आदमी लगे हुए, बिल्कुल वैसी ही बॉल उनके पास है, हमारे आदमी बॉल को पाते ही उस बॉल को बदल देंगे, उस बॉल में हमने टाइम बम फिट कर रखा है, और जब अगली बॉल फेंकी जाएगी ना वहां बैट्समैन रहेगा और न गेम। अरे साहब तुम तो बहुत खतरनाक आदमी हुआ है, हम तो घर के अकेले भैया बम फिट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ साहब, माफ करना, हम जा रहा, बीच में से जा रहा, माफ करना। अच्छा नमस्ते। अच्छा ये भैया चला गया, नहीं पता नहीं क्या क्या कर रहा था, क्रिकेट का करकट बना के रखा था। खैर भाई साहब देखिए, और किसी को कमेंट्री आती हो प्लीज यहाँ पर आके कमेंट्री कर दे, हमारे पास कमेंटेटर नहीं है प्लीज। तो स्टेडियम में दो लड़कियां बैठी हुई थी जो क्रिकेट की बातें कर रही थी। पहली बोली, शीला क्या है लीला, शीला तुम्हें मालूम है अपने कॉलेज के फास्ट बॉलर के साथ। गाने पर मुझे एक आइटम याद आया, एक रफी साहब का गाना बहुत हिट है, आपने सुना होगा। गाने के बोल मैं आपको बताता हूँ, गाना कुछ इस तरह से था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वला वला इकरार तेरा, आजा 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 आ। ये गाना बहुत हिट है, बहुत सुपर हिट है, हर आदमी जानता है। अब इस गाने का सुबह सुबह जब लोग ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, तब गाना जरूर गाते हैं, शायद इसके बाद उनको टाइम नहीं मिलता। ब्रश कर रहे हैं, गाना रफी साहब का गा रहे हैं, गाने की मिट्टी पली, मैं हूं देखिए कितने मीटर में थूकते हैं, कितने समझदार है संगीत के, जहां थूकना चाहिए वही थूकते, भले गाने का पोस्टमार्टम हो जाए यहां तक ठीक है, लेकिन भाई बहनों देखिए हमारी जिंदगी है, कभी किसी को जुकाम हो जाता है, कभी किसी को बुखार हो जाता है, किसी किसी का पेट गड़बड़ हो जाता है, अब पेट हल्का करना है, सुबह एक नंबर दो नंबर जाना है, परेशान है, ऐसे हालत में पेट साफ कर रहे हैं और गाना रफी साहब, रफी साहब के गाने का सहारा ले रहे हैं सुबह का वक्त। आजा आजा मैं प्यार तेरा, प्यार तेरा, आजा आजा आ। ये कैसे गंदा हो रहा है। अभी देखिए एक गाना बहुत हिट है दोस्तों, हम गाते हैं, हमारे पास यहाँ पर माइक होता है, इतना अच्छा साउंड सिस्टम होता है, किशोर कुमार, लता जी, ये बड़े बड़े सिंगर ही लोग गाते हैं, इनके पास और अच्छा माइक सिस्टम होता है, लेकिन भिखारी लोग बेचारे ट्रेन में, बस में, रोड पे गाना गा के जो पेट पालते हैं, उनके पास कोई माइक नहीं होता और उनको हजारों गाने गाने पड़ते हैं, इसलिए उनको एक भी गाना याद नहीं होता है। एक भिखारी गाना गा रहा है, गाना ये है, उसके बाद भिखारी गाना है, आपने सुना है, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग जिल मिलाए, जुजुजुजुजू, पता नहीं क्या है, कुछ है जुजुजुजू, है ना, है, सुना हुआ। अब इस गाने को वो भिखारी गा रहा बेचारा अपने स्टाइल में, यशोदा का नंद लालू ब्रिज का उजालू है, मेरे लाल से तो सारू जग जिल मिला तू है, अब मार जू तुम भी मारो जू, हम भी मारे जू तुम भी मारो जू। जू मारने के बाद है, वही जू मारेगा जिसके सर पे होंगे, आपके नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। अभी देखिए गाना फिल्म हीरो का पिछले दिनों बहुत हिट हो गया, इतना हिट हो गया, अब उसे हम अपने ढंग से गा रहे हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हम ये कहते हैं जो डरते हैं वो इस लफड़े में पड़ते नहीं। अभी देखिए मुकेश जी का गाना बहुत मुझे पसंद है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तू जो आती है तेरे पीछे तेरा बाप क्यों आता है। गाने की बात है, गाने पर आइटम बन जाते हैं। अभी आजकल दोस्तों, आजकल फिल्म के बाद जिस चीज की ज्यादा मांग है, लोग ज्यादा चिपकते हैं, किसी भी घर में जाइए
हर परिवार का हर सदस्य टीवी पे डटा हुआ, आपको चाय वाय नहीं मिलेगी, वो जब टीवी का पूरा प्रोग्राम खत्म होगा तो आपको चाय आएगा, वेट कीजिए। करमचंद आ रहा है, नरमचंद आ रहा है, पता है आज टीवी पे तरह तरह के प्रोग्राम आ रहे हैं, टीवी आज बहुत आगे बढ़ गया है, नए नए स्टार दे रहा है, अभी आजकल करमचंद चल रहा है, कुछ दिन में आएगा गरमचंद, फिर आएगा नरमचंद, पिछले दिनों खानदान बहुत पॉपुलर हुआ था, अच्छा खानदान बंद हो गया, वरना आता पानदान, खूब दान आता, पीक दान आता, उगाल दान, इतनी गंदगी हो रही टीवी में पूछिए मत, बहुत लेकिन बहुत आगे बढ़ रहा है। एक रजनी बहन जी आती थी संडे को टीवी पर डटी रही, ऐसा लगता था पूरी दुनिया की चला लेंगे, अब किसी की जरूरत नहीं, हर संडे टीवी पर। अभी देखिए करमचंद साहब क्या सवाल करते हैं, कहां उंगली घुमाते हैं, गाजर खाते हैं, उनको खाने के लिए और कुछ नहीं मिलता, अरे यार बहुत सी चीजें हैं, आओ यार मैं खिलाऊंगा यार गाजर, कोई जरूरी गाजर खाना, मगर वो गाजर खाते हैं साहब, और कहां कहां उंगली रखते हैं, और तो अच्छा है हमारे यहाँ फिल्म स्टारों ने अपने चेहरे पे अलग अलग जगह उंगली रखने की स्टाइल रख ली, हमारे दिलीप कुमार साहब नाक के बगल में उंगली रखते हैं, देवानंद साहब पूरा मुंह धो देते हैं, इस स्टाइल है, करमचंद साहब का भी ऐसा कुछ स्टाइल है, क्या सवाल करते हैं क्या जवाब मिलता है ये वो जानते हैं या अल्लाह जानता है, पता नहीं क्या करते, लेकिन बहुत अच्छा होता है, जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। अब देखिए करमचंद साहब किट्टी के साथ किसी भी घर में घुस गए, बिंदास घुस जाते हैं, सवाल करना शुरू कर देते हैं, करमचंद साहब माफ कीजिए, देखिए आप बताइए आपका नाम क्या है, देखिए आप बताइए आपका नाम क्या है, साहब हमारा नाम है मोहनदास, कमाल आपका नाम मोहनदास है, मेरा नाम करमचंद है, लेकिन इनका नाम गांधी नहीं है, ये किटी मेरी भी खूबसूरत है, खड़ा किटी में गाजा, खैर आप बताइए जिसमें आपके घर पे चोरी हुई, आपके घर पे चोरी क्यों हुई, हमारे देश में चोरी क्यों होती, नेपाल में चोरी क्यों नहीं होती, सर मैं बताऊं नेपाल में चोरी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पर सभी गोरखे रहते हैं, शट अप किटी, बहुत बेवकूफ है, खैर आप बताइए जिसमें आपके घर पे चोरी हुई आप क्या कर रहे थे, साहब हम ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब, हम रोज ट्रेन से जाते हैं काम पे जाते हैं, रोज ट्रेन से जाते हैं, जाहिर जब ट्रेन जाते होंगे तो आप टिकट खरीदते होंगे, हाँ साहब हम रोज टिकट खरीदते हैं, हम एक नहीं साहब हम दो टिकट खरीदते हैं, कमाल है बेवकूफ आदमी, आप जाते के लिए टिकट दो लेते हैं, ऐसी क्या बात है साहब, अगर एक टिकट खो जाए तो हम टीटी को दूसरी टिकट दिखा सकते हैं इसलिए दो टिकट खरीदते हैं, कमाल का बेवकूफ किस्म का आदमी है, खजान जी आप बताइए अगर आपकी दोनों टिकट खो जाए तो आप क्या करेंगे, साहब दोनों टिकट खो जाए तो खो जाने दो ना, हम बहुत होशियार आदमी है, ये देखो हमारे पास मंथली पास भी है, आप बातचीत से भैया मालूम पड़ रहे हैं, आपकी दूध की दुकान होगी, आप दही बनाते होंगे, जलेबी बनाते होंगे, समोसे बनाते होंगे, खैर आप बताइए कि आप दही कैसे बनाते हैं, अच्छा आप दही से चोरी से क्या मतलब, देखिए कहीं भी हमें सबूत मिल सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल सकती है, दही की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर सकते हैं, खैर जान दीजिए आप बताइए दही कैसे बनाते हैं, साहब साहब मिल्क होता है ना, आप क्या बताएं आपको फालतू बात कर रहा है, दही होता है ना दूध मिल्क मिल्क दूध मिल्क स्लीप होल नाइट मॉर्निंग टाइट मेक दही, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप बताइए पैदा कब हुए थे साहब, हम साहब 1947 से पैदा हुए थे, तो पैदा होने से चोरी से क्या मतलब, देखिए कुछ भी हो सकता है, आपके पैदा होने के हम फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, सर आप बताइए पैदा कब हुए थे, साहब हम 1947 से पैदा हुए थे, देखिए मेरा नाम करमचंद जासूस है, आप बताइए पैदा होने के पहले आप क्या करते थे, जी देखिए आप बताइए पैदा होने के पहले क्या करते थे, देखिए मैं हर बात को पूछता हूँ, हर बात में घुसता हूँ, मुझे हर बात के खोजने की आदत है, आपको खोजने की आदत नहीं है, आपको मुंह खुजाने की आदत है, ये करमचंद सर। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की, 21वीं सदी की, जिस तरह से आज हमारा देश बल्कि पूरा वर्ल्ड पूरी दुनिया जिस तरह से तरक्की कर रही है वो देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे चलकर ऐसा हो जाएगा कि कोई भी आदमी कुछ खाया पिया नहीं करेगा, ना तो इतना टाइम होगा किसी के पास, ना ही कुछ पैदा होगा, हर आदमी को काम करने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, पूरी दुनिया पेट्रोल से चलेगी, छोटे बच्चों के लिए 1.5-2 लीटर, बड़ों के लिए 5-6 लीटर, और हमाली मजदूरी करने वालों को 10-12 लीटर की जरूरत पड़ेगी, लोग पेट्रोल से चला करेंगे, तो काम करने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, और बातचीत करने के लिए हर आदमी के पेट के बाजू में हाथ के नीचे 4-4 बैटरी लगी रहेगी, सेल लगे रहेंगे, वो बात करने काम आएगा, काम करने के लिए पेट्रोल काम आएगा, ऐसा दुनिया चलेगी, 21वीं सदी में ऐसा हो सकता है, जिस तरह से आज देश है ऐसा कुछ भी हो सकता है, अभी देखिए उस समय क्या होगा, जब बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे तो उनकी नजर सामने वाले की बैटरी पर रहेगी, ए मेरे से क्या फालतू बात नहीं कहने, ए कल जो मेरे फालतू बात कहना क्या, ए इसकी तो उसके वायर निकाले बैटरी का वायर, ए वायर को काहे को हाथ लगाता है, मर्द का बच्चा ऐसे लड़ना, वायर को काहे को छूता रे, ऐसी लड़ाइयां होंगी, ऐसे झगड़े होंगे, और उसके बाद हमारे सिंगर हमारे गायक जो स्टेज पर आए करेंगे गाने के लिए, गाते गाते उनकी आवाज बीच में चली जाया करेगी, लोग चिल्लाएंगे कि शायद साउंड वाली गलती है, तो वो क्या कहेगा,
जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 जॉन जानी पम साहिब आया हाजिर हूं आया हूं यार कम यार मन दे जॉन जान पम भाई जॉन जानी पम पम जॉन लोग चले साउंड साउंड बराबर खोल ए साउंड ऑपरेटर साउंड बराबर खोल तो गायक कहेगा नहीं 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 साउंड वाले गलती नहीं भाई साउंड वाले कोई गलती नहीं है मेरे टैंक में मेरे पेट्रोल के टैंक में कचरा फंस रहा है लोग माने अच्छा 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 ऐसा हुआ करेगा और एजेंट जो बिल्डिंग बिल्डिंग का काम करते हैं फ्लैट और ये सब दिखाते हैं अपना कमीशन खाते हैं ये लोग जब फ्लैट दिखाने जाया करेंगे तो उस जमाने में किचन नहीं हुआ करेगा क्योंकि किचन का कोई जरूरत ही नहीं तो वो दिखाएगा जी हाँ वन जी हाँ वन बेडरूम हॉल लेटरिन बाथरूम किचन नहीं लोग मान जाए कहेंगे जी हाँ किचन नहीं हो सकता कैसे होगा किचन नहीं देखिए 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसके लिए मैंने एक छोटा सा पेट्रोल का टैंक बना रखा उसके अलग से पैसे लगा करेंगे पूरी दुनिया पेट्रोल से चलेगी पेट्रोल पंप में आदमियों की लाइन लगी रहेगी गाड़ियों के पीछे आदमियों की लाइन लगी रहेगी पेट्रोल पंप का आदमी बोले चलो आगे बढ़ो एक एक करके आओ कितना कितना लीटर पेट्रोल 2 लीटर काम पे जाने का है ना वीटी तक मेरे को 2 लीटर में होता है मैं घर वापस लौट के आता है 2 लीटर मांगता है चलो मुंह खोलो चलो आगे बढ़ो ऐसा हो जाए हर आदमी को पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी पेट्रोल लिया काम पे जा रहे और बैटरी लगी हुई है बैटरी से बात कर रहे हैं बात करते करते कब आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा यार कल अच्छा प्रोग्राम हुआ मस्त मजा आया यार क्या यार गाना गाया ये और सॉलिड आना मांगता था गिर पड़ा उधरी उसकी बैटरी डाउन हो तो हर आदमी जब घर से चला करेगा तो उसके माँ बाप बड़े प्यार से बैटरी और पेट्रोल ये सब चेक करके भेजा करेंगे उस हालत में इन फिल्म स्टारों का क्या होगा धर्मेंद्र शूटिंग के लिए घर से निकला माँ आज के जमाने में बड़े प्यार से अपने बेटे को खाना खिलाती उस जमाने में माँ बड़े प्यार से अपने बेटे को पेट्रोल पिलाया करे धर्मेंद्र शूटिंग के लिए निकला माई माँ पेट्रोल पिला रही धर्मेंद्र बेटा शूटिंग पे जा रहा है चल मुंह खोल पेट्रोल पी ले माँ तू कितनी अच्छी है माँ माँ तुम्हारे हाथ के पेट्रोल की बात ही कुछ और है माँ बाहर तुम्हारे हाथ जैसा पेट्रोल नहीं मिलता माँ चल चल चुपचाप पी ले शैतान की अरे तेरी तो बैटरी डाउन है चल बैटरी निकाल मेरी बैटरी लेके जा मुझे कहाँ जाना है माँ ने अपनी बैटरी दे दी धर्मेंद्र को माँ घर पे यूं ही पड़ी कुछ नहीं कर सकती फोन आया वो भी नहीं उठा सकती क्योंकि बैटरी बेटा लेके गया धर्मेंद्र सेट पर पहुंचा शूटिंग के लिए पहुंचा अब बीच में डायलॉग बोलते बोलते धर्मेंद्र का बीच में पेट्रोल खत्म होता है किस तरह से ठाकुर साहब क्या वजह हो सकती है जय 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 धर्मेंद्र साहब को पेट्रोल खत्म पेट्रोल लगा लाया पेट्रोल मंगाया जाएगा पेट्रोल पिलाया जाएगा फिर डायलॉग आगे कंटिन्यू पूरा किया जाएगा ऐसा जमाना है हर एक को प्रॉब्लम होगा इधर एक है अंगल साहब हमारी इंडस्ट्री के बुजुर्ग आर्टिस्ट इनका पेट्रोल खत्म हो गया अब इनको घर जाने के लिए भी पेट्रोल नहीं है ये थोड़ा सा पेट्रोल उधार मांग रहे हैं कादर खान से इसलिए पेट्रोल मांग रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनका टैंक बहुत बड़ा है वो चाहे तो दे सकते हैं एक ही अंगल पेट्रोल मांग रहे हैं कादर खान से अरे क्या जमाना आ गया है अरे आज मैं एक एक बूंद पेट्रोल को तरस रहा हूं अरे अपने जमाने में मैं कितनी कितनी चपातियां खा जाया करता था अरे भैया कादर खान तुम्हारा टैंक बहुत बड़ा है भगवान के लिए मुझे थोड़ा पेट्रोल दे दो मैं कल तुम्हें वापस कर दूंगा अरे मुझे घर जाना है मेरे भतीजे भला इसी में तुम किसी और से पेट्रोल मांगो मैं तुम्हें पेट्रोल नहीं दे सकता तुमको मालूम नहीं है कि मैं पेट्रोल क्यों नहीं दे सकता हूं मेरी शैतानी खोड़ियों में सा चक्कर घूम रहा है भला इसी में कि तुम किसी और से पेट्रोल मांगो राजबर को गुस्सा आया बोले यार अपना भाई है अपनी इंडस्ट्री का आदमी है पेट्रोल दे देना चाहिए इतना बड़ा टैंक है इनका कमाल करते हैं आप पेट्रोल नहीं दे सकते एक आर्टिस्ट पेट्रोल से तड़प रहा है एक एक बूंद पेट्रोल का तड़प रहा है और आप पेट्रोल नहीं दे सकते कमाल करते हैं आप मार डालिए उसे खत्म कर दिया होता मुझे अकेले इंडस्ट्री में राज कीजिए मार डालिए दूसरे कलाकारों को कमाल करते हैं आप मेरे भतीजो
मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं पेट्रोल नहीं दे सकता। दिलीप साहब ने समझाया। दिलीप कुमार, अरे कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं आप। कलाकार पेट्रोल के लिए तरस रहा है, आप पेट्रोल नहीं दे सकते। अरे अधिकार है तुम्हारे कलाकार होने पे। देखो बोलो तुम ज्यादा, अरे भला इसमें कि तुम उसको पेट्रोल दे दो। अरे कमाल करते हैं आप, एक कलाकार है पेट्रोल मांग रहा है, आप पेट्रोल नहीं दे सकते। पीछे जितेंद्र हमारे डांसिंग स्टार, वो पीछे खड़े थे, उनको भी गुस्सा है, वो भाग के आए। बेचारे खुश भी होते हैं तो भी रो के बोलते हैं। जितेंद्र, अरे एक कलाकार पेट्रोल मांग रहा है, आपका फर्ज है पेट्रोल दे देना चाहिए। अरे रोज पेट्रोल नहीं मांगता है, आज उसे पेट्रोल की जरूरत है, पेट्रोल दे देना चाहिए। हमारी यूनियन हमें एकता होना चाहिए, आज इसे जरूरत है कल आपको भी हो सकती है। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। कादर खान से रहा नहीं गया, उन्होंने सफाई दी। मेरे भतीजो, मेरी शैतानी खोपड़ी में ऐसा चक्कर घूम रहा है, भला इसी में तुम किसी और से पेट्रोल मांगो। मैं तुम्हें पेट्रोल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा टैंक पेट्रोल का नहीं है, मैं डीजल वाला हूँ।